Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम IFMC की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं, तो स्ट्रेटजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ IFMC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रेटजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी मार्केट में करीब 600 पॉइंट निफ्टी की एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 600 पॉइंट निफ्टी और करीब 2400 से 2500 पॉइंट सेंसेक्स साफ हो गया। दोस्तों, लगातार मार्केट के अंदर एक बेयर ट्रेंड जो करीब 40-45 दिन पहले, ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर मुझे डेट याद है, 25-26 अक्टूबर से मार्केट जो एक गिरना स्टार्ट हुआ, वो आज करीब 40 दिन हो गए हैं और मार्केट लगातार बेयर फेस में चल रहा है। दोस्तों, बेयर फेस की जब मैं बात करता हूं तो मैं इस समय टेक्निकली ट्रेडर्स के हिसाब से बेयर फेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो वो बेयर फेस अभी काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखता हूं तो वो जरूर बेयर फेस मार्केट चल रही है। और वो आज नहीं, करीब 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर से ही मार्केट, मुझे याद है जो हमने 25 अक्टूबर को एपिसोड बनाया था, उस समय 18,300 का निफ्टी था और 18,600 के हाई बने थे, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे क्या 18,600 अब एक इमीडिएट हाई बन चुका है। और यही हुआ दोस्तों, 18,600 अभी तक करीब 40 दिन हो गए हैं, मार्केट उसके ऊपर जा नहीं पाया, बल्कि वहां से 1600 पॉइंट निफ्टी जो है वो बंद 17,000 के आसपास फ्राइडे को बंद हुआ है। और इस समय चाहे इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, दोनों ही परेशान हैं। इन्वेस्टर्स शॉक्ड हैं और ट्रेडर्स अपसेट हैं। इन्वेस्टर्स शॉक्ड क्यों हैं? बेसिकली वो इन्वेस्टर जरूर शॉक्ड है जो आंख बंद करके केवल पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है और जो गलत ढंग से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो जरूर परेशान है। क्योंकि कई लोग अपने आप को इन्वेस्टर तो मानते हैं, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर की डेफिनेशन के अंदर आता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। लेकिन वो लोग जो एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो लोग ज्यादा परेशान हुए हैं, खासकर इस मार्केट में। अब जिसने 18,600 पे कोई स्टॉक्स ले लिए हैं, वो आज की डेट में काफी नीचे आ चुके होंगे। और मेन बात ये नहीं है कि उनको लॉस हो रहा है, मेन बात जिससे वो इन्वेस्टर परेशान है कि अब उसका पैसा कितने दिन ट्रैप रहेगा, उसको कितने दिन वेट करना पड़ेगा कि वो कम से कम इस उलझन से बाहर निकले। और ट्रेडर अपसेट क्यों है? ट्रेडर अपसेट इसलिए है क्योंकि मार्केट में ज्यादातर जितने भी बिगनर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, वो लोग लेके बेचते हैं, यानी कि वो बुलिश टेंडेंसी के ट्रेडर्स होते हैं। और जब तक मार्केट तेज था, जब तक उन लोगों ने लेके बेचा, उनको प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन पिछले 40-45 दिनों से मार्केट जैसे ही बेयर ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। वो जब भी ले रहे हैं नुकसान हो रहा है, जब भी ले रहे हैं नुकसान हो रहा है। बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मार्केट पलटने से पलटते हैं, यानी कि अगर मार्केट बुल ट्रेंड के बाद बेयर ट्रेंड में आई है तो उन ट्रेडर्स को भी बेयर ट्रेंड में बनना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूं यूडीटीएस के लेवल्स का कि कंटिन्यूअस, ये आप देख रहे हैं,
यहां से हाई लगा मार्केट, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहां पर कहीं पर ये डे कैंडल्स लगी हुई है करीब 25 अक्टूबर के आसपास जो है वो हमने एक इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट एक बेयरिश जोन में जा रहा है, और लगातार उसके बाद मार्केट अभी भी एक बेयर जोन के अंदर बना हुआ है। तो वो ट्रेडर्स जो बेयर पोजीशंस बना के ट्रेड कर रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, बशर्ते जो लोग बुल ट्रेड बना रहे हैं। हालांकि जो लोग बुल बास्केट्स बना रहे हैं या जो बुल ट्रेड्स ले रहे हैं वो तो नुकसान में ही है। तो दोस्तों हमेशा ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के रिवर्स जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ट्रेडर्स को। और IFMC चैनल के साथ जितने भी बिगनर्स स्टूडेंट्स ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं वो लोग पिछले एक महीने से लगातार बेयर ट्रेंड में हैं, और इन्वेस्टर परेशान है जरूर क्योंकि वो कह रहा है बार बार व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सर अब शुरू कर दे लेना, सर अब शुरू कर दे लेना। तो बेसिकली मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक मार्केट में पैसा नहीं डाला है और वो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं तो अभी भी जल्दीबाजी ना करें। बॉटम फिशिंग अच्छे स्टॉक्स की कर सकते हैं, वो भी बॉटम फिशिंग का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो मात्र 15-20 रुपए से ऊपर अभी भी आपको कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 24-25 की पीई के ऊपर अभी भी हम चल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या पी है एक बार आप निफ्टी की पी चेक कर लीजिए, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखी है अभी, लेकिन हाँ अंदाजा 24-25 के आसपास की पी होनी चाहिए। तो और थोड़ी सी वेट कर सकते हैं, अगर कहीं मार्केट में पैनिक बनता है तो शायद ये पी और नीचे आएगी और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको फिर से मिल सकती है। मुझे खुशी है कि पिछले 1.5 महीने से हम हर हफ्ते आपको बेरिश रहने की ही सलाह दे रहे हैं और वो शायद वो सलाह कामयाब रही है। दोस्तों अब मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर क्या हम 18,600 को वापस क्रॉस कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां मैं इतना ही कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट का जो भोजन है ना, जैसे मेरे को और आपको ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी के लिए हमें चाहिए भोजन, हमें चाहिए खाना, और स्टॉक मार्केट को एनर्जी लेने के लिए या स्टॉक मार्केट की एनर्जी के लिए उसके पास केवल दो चीजें हैं, एक है न्यूज और डाटा, जो मैं लगातार पिछले 2 सालों से मैंने डिस्कस किया है, केवल दो चीजें न्यूज और डाटा, और दूसरा डिमांड एंड सप्लाई। ये दो जो हैं ये सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट हैं स्टॉक मार्केट के चलने में। अगर न्यूज और डाटा अब भी सुधर जाते हैं, किसी समय भी सुधरने लगते हैं, सबसे बड़ा जो न्यूज इस समय चल रही है वो चल रही है ओमिक्रॉन, और उसके बाद चल रहा है इन्फ्लेशन। मैंने इन्फ्लेशन कई बार अपने टॉपिक्स में अपने एपिसोड्स में डिस्कस किया था, लेकिन इन्फ्लेशन उस समय एक ओवरशैडोड इशू था क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जब बाकी चीज़ें खत्म हो गई हैं तो इन्फ्लेशन बाहर आ गई है। तो इन दो चीज़ों को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को ख़त्म करना होगा किसी ऐसे तरीके से जिससे ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि होता क्या है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो शायद ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिविटी बननी शुरू होती है। ऐसे कोई उपाय करने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक्स को जिससे ग्रोथ हैम्पर ना होते हुए इन्फ्लेशन काबू हो जाए, नंबर वन। नंबर टू ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन हम बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं जो एनालिस्ट हैं वो हर जगह एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जो वायरस है ये हर साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 3-4 महीने जो हैं ये हर साल इसमें ये एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली वायरस, मैं कोई इस फील्ड से नहीं हूं और मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरी एनालिसिस ये कहती है चार्ट्स को देखते हुए कि हर साल मार्केट जो है ये वायरस की वजह से पिछले 2-3 सालों से यही हो रहा है, फरवरी मार्च के अंदर ये वायरस जो है वो बढ़ना शुरू होता है, और शायद वही डर इस बार भी है। ओमिक्रॉन आपने देखा होगा धीरे धीरे फिर से इसके केसेस बढ़ने शुरू हुए, अब दिसंबर खत्म हो रहा है जनवरी आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि ये फिर से कुछ बड़ा काम ना करे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट हर चीज को ओवर डिस्काउंट करती है और शायद इसीलिए मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और ओमिक्रॉन एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं।
तो ये दोनों अगर चीजें खत्म हो जाती हैं तो दोस्तों 18,600 क्या, फिर तो 20,000 और 21,000 भी मार्केट के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, किसी सपने में ना रहें, किसी ड्रीम में ना रहें, मार्केट तो करंट में चल रही है और आप भी करंट में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर नेगेटिविटी है, मार्केट में खराबी है, तो आप भी इसको बहुत ज्यादा ये ना सोचें कि कल को कुछ ठीक होएगा। जब ठीक होएगा तो आप भी ठीक हो जाइए, लेकिन फिलहाल ट्रेंड बेयरिश। और रही बात इन्वेस्टर्स के शॉक्ड होने की, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं है। और सेम ऐसे ट्रेडर्स जिनको बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में ट्रेडिंग करना आता है वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट बुल है या मार्केट बेयर है, उनकी स्ट्रैटेजी वही है, तेजी में लेके बेचना है और बेयरिश ट्रेंड में बेच के लेना है, बस इतना ही। दोस्तों फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 16,985 करीब 600 पॉइंट डाउन, क्रूड बंद हुआ है 5383 करीब करीब 125 पॉइंट डाउन, और गोल्ड बंद हुआ है 48,600 करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर। गोल्ड ऊपर बंद हुआ है क्योंकि गोल्ड को हम मार्केट में हेजिंग का सबसे अच्छा टूल मानते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन का एक खतरा बढ़ रहा है वैसे ही गोल्ड में मूवमेंट आप देखेंगे हल्की सी चालू हो गई है। और इनफैक्ट गोल्ड में मूवमेंट आज से चालू नहीं है, करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने एक गोल्ड के ऊपर क्रूड के ऊपर वीडियो बनाया था जब गोल्ड ने भी अपना एक ऊपर का रैली देना शुरू किया था। हालांकि उस समय भी हमको कुछ हिट आउट हो गया था जब मैंने जोड़ा था कि क्रूड और गोल्ड दोनों ही बढ़ने चालू हुए थे और हमने इसके अंदर एक निष्कर्ष निकाला था। 25 अक्टूबर की वीडियो जाके देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमने उस समय निष्कर्ष निकाला था कि शायद इस समय जो 18,600 का हाई है ये ऑलमोस्ट इमीडिएट हाई मान लेना चाहिए, क्योंकि उस समय गोल्ड के अंदर भी एक अलग सी मूवमेंट आई थी और हमने गोल्ड की मूवमेंट को ही स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के साथ जोड़ा था। अब अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें तो हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर बेरिश थे और मंथली के ऊपर भी हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि यूडीडीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। दोस्तों ये लास्ट ये वाली कैंडल है हमारी फ्राइडे की, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूजडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। और मंडे को, लास्ट मंडे को हमारे पास एक सपोर्ट था 17,476 का और दो हमारे पास रेजिस्टेंस थे 17,787 17,796। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस थे मंथली और वीकली का और हमारे पास डेली का एक सपोर्ट था। मंडे को मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर खुली है इस वाले पॉइंट पे और ये पॉइंट था हमारा 17,619। ये पॉइंट के ऊपर 17,619 के ऊपर मार्केट खुली और खुलने के बाद इसने हमारे 17,476 के नीचे जैसे ही आई और मार्केट के अंदर ये फिर से एक ट्रेंड बना कि जिसके अंदर हमारे सपोर्ट कटते ही जो इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो फिर से एक्टिवेट हो गए। चलिए, और उसके बाद ट्यूसडे को भी मार्केट गैप डाउन नीचे खुला और उसके बाद वेडनेसडे को भी मार्केट नीचे, थर्सडे को भी नीचे और फ्राइडे को भी मार्केट नीचे। तो ओवरऑल पूरे हफ्ते मार्केट में गिरावट बनी रही और लास्ट में करीब पूरे वीक में मार्केट 600 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। अब हम जब बात करते हैं बेयर ट्रेंड की, बेयर ट्रेंड के अंदर खासियत यही होती है कि हमको जो बेयरिश ट्रेड्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट्स मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कंपैरेटिवली बुलिश ट्रेड। इसीलिए जब बेयर मार्केट होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी बास्केट ऑफ ट्रेड होती है उसके अंदर हम चार ट्रेड्स के अंदर तीन बेयरिश ट्रेड लें और एक बुल ट्रेड लें ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा हो। तो आपने देखा कि पूरे हफ्ते के अंदर जो बियर्स हैं वो हावी रहे और ज़्यादातर मतलब 95% ऑफ द केसेस के अंदर आपके जो बियर ट्रेड होंगे वही आपको प्रॉफिट देके गए होंगे। तो ओवरऑल लास्ट वीक बहुत बढ़िया वीक रहा। एक काम करते हैं, ये वीक को जरा 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ हमारे इंट्राडे, कहाँ हमारे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स एंटर हुए होंगे। हालांकि
पोजिशनल ट्रेडर और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स तो मार्केट के अंदर बुलिश बेरिश बने हुए थे। आपने देखा कि मंडे को भी मार्केट यहां तक ऊपर खुली, लेकिन हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल थे 77,700-78,000 वहां तक जा ही नहीं पाई। हालांकि मंडे का जो हाई लगा है, मंडे का हाई 17,640, ये वाला 17,640 तक के ऊपर के भाव बने हैं, लेकिन 17,796 और 17,787 के ऊपर मार्केट जा नहीं पाई। तो ओवरऑल लॉन्ग पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो तो बेरिश थे ही, लेकिन मंडे को ही इटसेल्फ शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंटरडे ट्रेडर्स भी बेरिश हुए। और कहां हुए, चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों ये मैंने पूरे हफ्ते को 15 मिनट के चार्ट पे लगा दिया है। मंडे को हम यहां पर ऊपर हुए थे, ये पहली कैंडल है मंडे की, और उसके बाद जैसे ही ये 15 मिनट की रेड कैंडल ने हमारे सपोर्ट को 17,476 रुपए का जो सपोर्ट था उसको तोड़ते ही आपने देखा इस रेड कैंडल का जो भी ओपन पॉइंट है इसको ऊपर कहीं पर भी मार्केट इसके बाद जा नहीं पाई, और इस सपोर्ट को तोड़ते ही मार्केट धीरे 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 पूरे हफ्ते के अंदर करीब 600 पॉइंट मार्केट के साफ हो गए। तो मंडे को ही हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स सभी लोग बेरिश थे, और पूरे हफ्ते ही ये मार्केट का जो ट्रेंड बेरिश रहा। तो लास्ट वीक बहुत बढ़िया वीक रहा। मैं बार बार बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी की वेट करें, जबरदस्ती ट्रेड ना करें, मार्केट आपको अपने आप मौका देगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन जाएं, अगर मार्को हमको लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल बेरिश है लेकिन अगर आज मार्केट बुलिश हो रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको कोई ट्रेड बेचना ही है। तो आप वेट करें, अपॉर्चुनिटी की वेट करें, एक दिन दो दिन चार दिन ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है। ट्रेड जब ही करें जब 100% कॉन्फिडेंट हो। अगर न्यूज एंड डाटा की बात करें तो इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन ओमिक्रॉन केसेस, ये डर बना हुआ है डोमेस्टिक और ग्लोबली दोनों तरफ, और शायद यही ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मार्केट को एक नेगेटिव फ्रेम में जाने का मौका मिल रहा है। अगर मैं अगले वीक के कुछ न्यूज़ और डाटा की बात करूं तो वेडनेसडे को यूएसए में जीडीपी के नंबर्स आएंगे, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, यहां हमारी थोड़ी सी निगाह रहेगी। हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो जो कुछ टेक्निकल्स इस समय चल रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही मार्केट अभी चलेगी, टेक्निकल्स के ऊपर ही चलेगी, क्योंकि कोई बड़ा न्यूज एंड डाटा नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे नजर नहीं आता। और अगर मैं टेक्निकली देखना चाहूं तो टेक्निकली देखने के लिए चलते हैं सीधा यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं क्या होगा मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। हम आ गए दोस्तों UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। दोस्तों जो लोग हमारे एपिसोड के साथ लगातार कई महीनों से जुड़े हुए हैं, करीब 2 साल तो हो गए मेरे को, और हर महीने हम अभी तक देखते आए थे पिछले 17-18 महीनों में ये सुई हमको ज़्यादातर ग्रीन जोन में मिलती थी, लेकिन अब पिछले 1 महीने से ये जो सुई है ये हमको अब रेड जोन में दिखनी शुरू हो गई है। अभी भी ये जो नीडल है ये पूरे रेड जोन में है, जो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर ही बेरिश जोन में हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट निफ्टी के पहले लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,276, वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,619, और मंथली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,783। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है नेक्स्ट वीक के लिए वो भी बेरिश हम मानेंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 36,491 रुपए, वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 37,358 रुपए। मैं हिंदी में इन लेवल्स को बोलता हूं,
लेकिन इंग्लिश में मैंने बोल दिया है कि हमारे स्क्रीनर के ऊपर आ जाएगा, ताकि आप जो लोग हिंदी में अंकों को नहीं समझ पाते हैं तो वो हमारे स्क्रीनर पर देख लें। मंथली के ऊपर डाउनवर्ड है और रेजिस्टेंस है 39,432, 39,432, 39,432। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मंथली, वीकली और डेली के ऊपर बेरिश ट्रेंड में। चलिए एक जल्दी से सेक्टोरल एनालिसिस को भी देख लेते हैं। इस समय जब मार्केट डाउन है तो कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा सबसे परफॉर्म कर रहा है, वो अभी भी आईटी है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो इस समय बेरिश मार्केट में भी बेस्ट परफॉर्मर है। और अगर मैं वर्स्ट सेक्टर्स की बात करूं तो चलिए चलते हैं सीधा लास्ट में। वर्स्ट सेक्टर में सबसे वर्स्ट सेक्टर इस समय बना हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज, और सेकेंड लास्ट जो है वो है फार्मा, और उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। तो ये तीन वर्स्ट सेक्टर, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। नेक्स्ट वीक में मार्केट की मूव क्या होनी चाहिए। हमारे पास इस समय तीन रेजिस्टेंस हैं, 17,276, 17,609 और 17,783 निफ्टी के, जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं। हम बंद हुए हैं यहां पर। ये जो पॉइंट है फ्राइडे का जो क्लोज है वो है 16,985, ये 16,985 के ऊपर हम बंद हुए हैं। और हमारे ऊपर तीन रेजिस्टेंस हैं। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको हर हालत में अगर सेलिंग पोजीशंस रखनी है तो वो 17,276 के नीचे ही रहेंगे। अगर इंडेक्स 17,276 के नीचे रहता है और इंट्राडे जो यूडीटीएस के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो भी अगर बेरिश हैं तो आप बेयर पोजीशन लेंगे। और किसी भी हालत में 17,276 के ऊपर आपको पोजीशन सेलिंग की नहीं लेनी है, इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए लेवल है 17,609, 17,609 के ऊपर उनको कोई सेलिंग नहीं करनी है। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए लेवल है 17,783, 17,783 के ऊपर किसी किस्म की कोई सेलिंग नहीं करनी है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बेरिश है। अभी हमने देखा पूरे हफ्ते में एक अच्छी गिरावट आई है। अब अगले हफ्ते देखना यह होगा कि ओमिक्रॉन क्या करता है, ओमिक्रॉन के नंबर्स क्या चलते हैं। जो इन्फ्लेशन के ऊपर एक फेड का जो आउटलुक बन गया है वो हॉकिश आउटलुक बन गया है। शुरू में इसके ऊपर जब हम बात करते थे, हमने पहले भी बात करी है हॉकिश और डॉइश आउटलुक के ऊपर। हॉकिश आउटलुक की बात हम जब करते हैं, जब फेड हॉकिश हो जाता है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है कि अब कुछ भी हुआ तो हमको इसके ऊपर मेजर्स लेने हैं। और फेड की तरफ से ये बात आ चुकी है कि नेक्स्ट ईयर में कम से कम 3 बार वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जा सकता है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक क्या कुछ आता है। और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश रहेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में अभी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनको मार्केट की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है तो वो थोड़ा सा अभी दूर रहे। बिगनर्स और स्टार्टर्स जिनको सेलिंग करके ट्रेड नहीं आता है, बेरिश मार्केट में ट्रेड नहीं आता है, ऑप्शंस या फ्यूचर्स से आप लोग काम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें मार्केट को, थोड़ा सा रिस्की वाकई में हो चुका है। और मेन बात अभी आती है कि कहीं कोई पैनिक ट्रिगर बटन मार्केट में तो नहीं दब जाएगा। हाँ दोस्तों ये एक बड़ा सवाल आता है कि पैनिक बटन मार्केट के अंदर जब आता है, जब चारों तरफ एक नेगेटिव माहौल बन जाता है और ऐसे नेगेटिव माहौल में हर रिटेलर, हर ट्रेडर एक दूसरे को देख के बेचने की भेड़ चाल में भागता है और उस समय पैनिक बटन जो हैं वो दबते हैं। और क्योंकि एक साथ सेलिंग सबकी आती है, ऐसे में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है रिडम्पशंस का। और जब रिडम्पशन का प्रेशर उनके पास आता है तो उनको भी मार्केट में ऑफलोड करना पड़ता है। तो एक तरफ से
चाहे वो FIIs हों और चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हों और चाहे वो लॉन्ग इन्वेस्टर्स हों, एक जब वो इनकी घबराहट मार्केट में देखने को मिलती है तो शायद इस तरह के ट्रिगर बटन दब जाते हैं और मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, केवल अपने आप को डिसिप्लिन रखें, चाहे आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, आपको इस तरह के किसी भी ट्रिगर बटन, पैनिक बटन से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹7200 है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹14400 है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹18000 है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।